आज एक बार फिर हिंदुस्तान ने अपना घिनौना चेहरा, कहने को वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, मगर उसने दुनिया को दिखा दिया है कि जो इंसानियत और हक और सच की बात करेगा उस पे बैन लगा दिया जाएगा, उसको मकबूजा कश्मीर नहीं जाने दिया जाएगा। यही हुआ है एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ, जो दुनिया का एक इम्पॉर्टेंट वॉच डॉग ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने एक रिपोर्ट शाया की है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, वो घिनौना एक्ट जिसके थ्रू, वो काला कानून जिसके थ्रू हिंदुस्तान की आर्मी को कंप्लीट इम्यूनिटी मिलती है, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, बच्चा हो, बूढ़ा, उसको जेलों में बंद कर दिया जाता है, कोई ठोस एविडेंस भी ना हो उनके खिलाफ, उनको मार दिया जाए, उनको खत्म कर दिया जाए, उनको रेप कर दिया जाए, उनको पैलेट से छलनी कर दिया जाए, मगर उनकी कोई, उनको जस्टिस नहीं मिलेगा, ना ही इंडियन आर्मी पनिश होगी। और इसी लॉ के तहत कोई लीगल काउंसिल एक्सेस नहीं मिलती, कोई वहां पे बेल नहीं मिल सकती। मेरे शौहर मोहम्मद यासीन मलिक भी, जो जो इस तहरीक को लीड करें, वो इसके सबसे बड़े विक्टिम है, उनको डेथ सेल में रखा हुआ है, उनको कोई लीगल एक्सेस नहीं है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यही हाल हमारे हजारों लाखों की तादाद में लोगों का है, मगर हिंदुस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए। ये जो आवाजें उठ रही हैं, चाहे वो यूएन की रिपोर्ट हो, एमनेस्टी इंटरनेशनल की, एक दिन आएगा कि दुनिया के हर ऐवान से ये आवाज उठेगी और हम लोग विक्टिम्स हैं इसके, हम तहरीक चला रहे हैं, हर कश्मीरी अपने खून से तहरीक चला रहा है। और एक दिन आएगा कि जिस तरह प्रेसिडेंशियल रूल लगा है मकबूजा जम्मू कश्मीर में, पहले गवर्नर रूल, पहले वो ढोंग वाले इलेक्शंस, कोई चीज नहीं चल सकती जब तक ये कश्मीर का मसला नहीं हल होगा, ये कुछ भी